राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे इसको लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में चारों शंकराचार्य के नहीं आने के फैसले को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह बीजेपी पर खूब बरस रहे हैं। नमस्कार, प्रदेश तक में आपका स्वागत है, मैं हूं इलमान खान। दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्हें इस बात पर कड़ी आपत्ति है कि शंकराचार्यों का अपमान किया जा रहा है। दिग्विजय सिंह ने जोर देकर कहा कि राम मंदिर लोगों के चंदे से बन रहा है। उन्होंने बीजेपी और बीएचपी से सवाल पूछा कि राम मंदिर पर विश्व हिंदू परिषद का क्या अधिकार है। राम मंदिर बन रहा है हमारे लोगों के चंदे से, हम लोगों ने सबने चंदा दिया है और हमारी ये घोर आपत्ति है कि अपमानित किया जा रहा है हमारे शंकराचार्य जी, हमारे राम मंदिर संप्रदाय को अपमानित किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने कौन सा ठेका ले लिया धर्म का, उनका क्या अधिकार है राम मंदिर पर? ये हम लोगों का पैसा है, हम लोगों का चंदा है। दिग्विजय सिंह यही नहीं रुके, वो चंपत राय पर भी खूब गरजे। उन्होंने चंपत राय पर जमीन घोटाले में शामिल होने का आरोप भी लगाया। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी और वीएचपी का काम ही बंटवारा कराना है। पहले हिंदू मुस्लिम के बीच धर्म के नाम पर खाई पैदा की गई और अब हिंदुओं के बीच भी खाई पैदा की जा रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने बीजेपी, संघ और विश्व हिंदू परिषद पर अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति अपनाने का आरोप लगाया। चंपत राय क्या है? विश्व हिंदू परिषद के एक प्रचारक है और जिन्होंने कि जमीन का घोटाला किया है, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने प्रमुख बनाया हुआ है और जो अपमानित कर रहा है, धर्म को बांट रहा है, धर्म गुरुओं को बांट रहा है, रामानंदी संप्रदाय और शंकराचार्य जी के बीच में खाई पैदा कर रहा है। अगर रामानंदी संप्रदाय को देना चाहते हो, हम सब चाहते हैं दे जाए, लेकिन उनका अधिकार नहीं है विश्व हिंदू परिषद का। वहां की पूजा भी निर्मोही अखाड़ा करता था, उसका अधिकार क्यों छीना गया है? ये लोग बांटने के अलावा इनके पास कोई नाम काम नहीं है। पहले धर्म के नाम पर बांटा हिंदू मुसलमानों को, अब भगवान राम को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। शंकराचार्य जी और रामानंदी संप्रदाय के लोगों का आपस में खाई पैदा कर रहे हैं। फूट डालो, राज करो, ब्रिटिश हुकूमत की जो पॉलिसी थी वो आज भाजपा, संघ और विश्व हिंदू परिषद चला रही है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जाने के न्योते को कांग्रेस ने ठुकरा दिया है। कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इवेंट बताया है। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए प्रदेश तक को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, हमारे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी हमें आप लाइक कर सकते हैं।